जय माता दी दोस्तों, और सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं दोस्तों। और आज मैं डालने जा रही हूँ, कई दिन हो गए वीडियो नहीं डाली है। और हस्बैंड भी आ गए हैं, उनका पैर ठीक है, कुछ चोट हो गई है, वो मैं डाल दूंगी। तो दोस्तों आज मैं, सर्दियाँ तो चल रही हैं, तो मैंने ठाकुर जी की पोशाक बनाई है, मैं उसकी वीडियो डालूंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करना ना भूलें कि कैसी लगी ठाकुर जी की पोशाक और ठाकुर जी पहन के कैसे लग रहे हैं। चलिए दोस्तों, किस तरीके से मैं डालती हूँ देखिए। दोस्तों हम ठाकुर जी की पोशाक बनाएंगे, सर्दियाँ आ गई हैं और ये दो कलर की उनकी हम बनाएंगे। और ये हमने ले लिया है येलो कलर और वाइट कलर की बनाएंगे, आपके पास जो भी कलर हो, लेकिन मुझे कलर ये अच्छा लग रहा था। और कुर्सिया वाली में ये पोशाक बनाऊंगी। चलिए किस तरीके से बनाने देखिए दोस्तों। इस तरीके की हम एक इस धागे में इस तरीके की एक हम गांठ लगा लेंगे, और इसमें इसको छोटा सा एकदम थोड़ा सा पकड़ने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम इसमें इस तरीके से 1, 2, 3 और 4। अब क्या करेंगे, जहाँ से ये शुरू किया था वहीं इसको डाल के बंद कर लेंगे। देखिएगा ये छोटा सा ये हॉल दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, 1, 2, 3। अब हम इस तरीके से इसको डबल कुर्सिया वाल लगाएंगे और जो ये होल बनाया है ना उसमें डालेंगे। इस तरीके से इसको ऐसे करके डबल कुर्सिया, इसको हम 12 बार निकालेंगे, 12 बार डबल कुर्सिया बनाएंगे। 11, 12, ये पूरी 12 हो गई हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। देखिएगा अब इसमें हम कोई धागा नहीं, इस तरीके से इसमें डाल के इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करके देखिएगा गोल बन गया है। अब हम इसको भी दोबारा धागा डाल के 3 फिर से करेंगे, 1, 2, 3 फिर से डालेंगे ये साइड में जो बनाया है उसमें डाल के 1, 2। एक में हम ये 2 डालेंगे, डबल कुर्सिया डालेंगे, और एक जो दूसरा आएगा इसमें अलग में 1 डालेंगे। एक में 1 डालना है, एक में 2 डालने हैं। इसी तरीके से हम इसको कवर करते हैं। अब ये हमने 1 डाल लिया है, अब हम इसमें डबल कुर्सिया 2 डालेंगे। देखिएगा इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है इधर का। अब हम इसको फिर से जोड़ेंगे बिना धागा डाले, इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 हम सिंगल करेंगे और 1 डबल करेंगे। देखिएगा सॉरी, इसी को हम 1, 2, 3 हम इधर डालेंगे, 1, 2 ये हो गए। अब हम यहाँ 1 ये हो गई, अब हम इधर 2 डालेंगे, 1, 2। अब इधर क्या करेंगे, 1 डालेंगे, 1 दूसरे वाले में भी 1 डालेंगे, 1 हमें तीसरे में 2 डालनी है, 1, 2। इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड बनाना है। तो तीसरे में हमें 2 डालनी है और 2 में 1-1 डालनी है। देखिएगा फिर से हम ज्वाइंट कर लेंगे, यहाँ हो गया है। लाइन कितनी डालनी, 1, 2, 3। हम चौथी लाइन भी ऐसे ही डालेंगे, 2 में 1-1 और 1 में 3। ये बहुत जल्दी बन जाएगी, जो कुर्सियाँ चला लेते हैं वो लोग इसको आराम से बना सकते हैं, और जो नहीं भी हैं वो प्रैक्टिस कर लें।
तो चलाना कोई मुश्किल। ये दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है पूरा। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से ज्वाइंट कर देंगे और इस तरीके से इसको ज्वाइंट करना है और यहाँ अब इसको कट कर देंगे। तो ये मेरा पूरा बाइट वाला ये पूरा हो गया है। अब इसको कट करते हैं दोस्तों। ये हमने कट कर दिया है और इसको इस धागे को इस तरीके से इसी में निकालेंगे और फिर से एक दो बार निकाल देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों ये बन गया है। अब मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊंगी। देखिए दोस्तों, इससे हम गाँठी लगा लेंगे इस तरीके से। ये लगा ली है गाँठी और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों। सर्क वाली गाँठी लगाएं और इसको यहाँ जोड़ दें। वो हम हाफ कुर्सियाँ बनाएंगे इस तरीके से और यहाँ लेके ये तीनों एक साथ निकाल देंगे। दूसरे वाले में भी डालेंगे। देखिए दोस्तों, हाफ कुर्सियाँ ही एक किनारे बना लें इस तरीके से। इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, हम हाफ कुर्सियाँ इसको कहेंगे और ये किनारे बनाते हुए सॉरी। अब मैं इसको ज्वाइंट कर दूंगी यहाँ। और बच्चे गली में खेल रहे हैं तो वो शोर मचा रहे हैं, उसको इग्नोर करना। और यहाँ मैं इसको कट कर दूंगी धागे को। दोस्तों इसी तरीके की हमें 20 बनाने हैं और मैं ये 8-9 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। आपके छोटे नंबर के कान्हा जी हों तो ये मैंने 4 बनाई हैं, आप 3 भी बना सकते हो और छोटे हैं तो 2 भी बना सकते हो। उसके बाद ये सिंगल हाफ कुर्सियाँ बना सकते हो। तो मैं ये आपको 20 बना ले रही हूँ, फिर दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाएंगे हम पोशाक। देखिए दोस्तों, ये मैंने 4 रो पूरी कर दी हैं, 1, 2, 3, 4। देखिएगा 4 हो गई हैं कंप्लीट। ये खुद ही ऐसे कैप टाइप का बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसको 5वीं जो रो करेंगे वो हम केवल सिंगल कुर्सियाँ करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसको ऐसे डालेंगे और ये तीनों एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। देखिएगा, ये धागा लिया और इसमें लिया और ये ली के और ये तीनों एक साथ निकाल देंगे। फिर धागा लिया, फिर इसमें और ये इस तरीके से तीनों एक साथ निकाल देंगे। और इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करे ले रहे हैं। फिर इस पे दूसरा कलर चलाएंगे। देखिएगा, सिंगल कुर्सियाँ करते चलेंगे, डबल कुर्सियाँ नहीं करेंगे। दोस्तों ये इस तरीके की बन गई है कैप अपने आप ही। मैंने क्या बताया था, ये 12 रो कंप्लीट कर लेनी है शुरू में। ये 12 के बाद में फिर 2 सादा, फिर एक ही उसमें से 2 उठानी है, 2 एक एक में उठानी है और 2 तीसरे में से जो उठानी है वो हमें 2 उठानी है। और फिर हमें कंप्लीट ऐसे ही इसी तरीके से कंप्लीट करनी है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3 कंप्लीट करनी है हमें। मतलब 2 में एक एक और 1 में 2 और फिर ये सिंगल कुर्सियाँ ऊपर लास्ट में जो चौथी सिलाई करनी है वो सिंगल कुर्सियाँ करनी है ये वाली। तो इस तरीके की अपने आप कैप बन जाएगी। और ये हमने पहले बहुत पहले बनाई है अपने बच्चों के लिए, जो पहले चलती थी कुर्सियाँ वाली कैप, इसी तरीके के हम बड़े बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ही ये डाल लें और इसी से इतना सा ही पड़ेगा, वो भी 10-12 जब बड़े बच्चों के लिए बनाएंगे वो भी 10-12 ही कुर्सियाँ पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ होल हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इस पे दूसरा कलर लगाऊंगी। तो दूसरा कलर हम क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों यहीं उतारने हैं, फिर से बनाने हैं और फिर तीनों उतार देने हैं।
इसी तरीके से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। देखिएगा मैंने ये कंप्लीट कर ली है और यहाँ एंड हो गया है। अब हम इस धागे को निकाल लेंगे इस तरीके से करके, और इस धागे को गांठी लगा के और यहाँ से कट कर लेंगे हम। यह जो है ये कैप रेडी हो जाएगी, और थोड़ा बहुत जो होगी वो हम अभी आपको वीडियो में। देखिए दोस्तों ये सारे बन चुकी हैं और इक्वल बनी है, कुछ थोड़ी बहुत बड़ी हो गई हैं वो बनाई हैं मैंने। तो दोस्तों किस तरीके से इनमें इनको हमें सेट करना है, सुई से टाका लगाना है, चलिएगा मैं दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों ये हम ले लेंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से रखेंगे, थोड़ा सा ये डिजाइन ये वहाँ है जो ड्रेस बनाएंगे, और हमें टांका लगाना है यहाँ जो वाइट वाइट है वहाँ, देख के कितना इधर रह रहा है और कितना इधर रह रहा है, तो इस तरीके से हम टांका लगाएंगे। सुई कोई भी ले लें, मैंने ऊन वाली बड़ी वाली सुई ली है, तो इसको इस तरीके से हम सिल लेंगे। तो ये कंप्लीट इधर सिलाई कर ली है, मैंने कट कर दिया है ये आगे ऐसे करके, फिर हम सिलेंगे यहाँ दूसरा लगाएंगे, वो भी इसी तरीके से लगाएंगे इस तरीके से उसको, क्योंकि यहाँ कम होता चले और इधर ज़्यादा, क्योंकि ये बनाना है। तो हम मैंने ये तीन ज्वाइंट कर ली हैं, इसी तरीके से मैं सारी ज्वाइंट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों मैंने ये 11 जो बनाए थे वो 11 आपस में जोड़ लिए हैं, और थोड़ा सा जो बाहर की साइड है वो मतलब एक्स्ट्रा रखा है, और ये अंदर की साइड थोड़ा सा गुलाई में मैंने जोड़ लिए हैं। अब मैं इनको क्या करूँगी इस तरीके से, देखिएगा ये 11 के 11 जुड़ चुके हैं, और ये यहाँ वो है खुला हुआ है, तो इसको भी इसी तरीके से डिजाइन आ जाएगी, सर्कल बन जाएगा। और मैंने ये बीच में जगह थोड़ी सी इधर ज़्यादा रखा है इधर, और ये बीच में इस तरीके से आप प्लेट रख लें और उससे इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो मैं इसको भी बंद कर दूंगी और ये गोल सर्कल बन जाएगा, एकदम गुलाई में आ जाएगा, और फिर मैं क्या करूँगी वो दिखाऊँगी आपको। देखिए दोस्तों ये मैंने पूरा सर्कल ये तैयार कर लिया है, ये सिल दिया है, और अब हम इसको जो डिजाइन दी है उसको इस तरीके से उठा देंगे और इसको इस तरीके से इसको अलग रख देंगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ। फिर से हम ले लेंगे इसी तरीके से और इसको हम 6 इस तरीके से उसी तरीके से सिलेंगे जो वो सिले थे, इस तरीके से रखते हुए एक साइड से एक को दबाते हुए, और फिर हम 6 रो सिल लेंगे जो ये हैं, इनको हम अच्छी तरीके से सिल लेंगे, इनको सिल के फिर मैं दिखा। पहली वाला तो बना ही लिया था, आपको दिखा चुकी हूँ, ये मैंने दूसरा वाला भी 6 वाला भी सिल लिया है, ये है। अब मैं इस पे रखूँगी इस तरीके से, और ये जो है यहाँ से ये यहाँ मैं इसको रखूँगी। अब मैं क्या करूँगी इसको पकड़ते हुए मैं इसकी पूरे में सिलाई कर लूँगी, सुई धागे से ही मैं यहाँ से धागा सुई एंटर करते ऐसे करके, मालूम भी नहीं पड़ेगी, और मैं पूरे को सिल लेती हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने सिल दिया है और ये खोला छोड़ दिया है, बाकी का ये मेरी ड्रेस जो है वो सिल चुकी है, और ये यहाँ इस तरीके से आएगी। अभी थोड़ी सी बाकी और है, और इधर मैंने ये
अलग कर दिया। ये मैंने चोली बनाऊंगी, ये चोली के लिए ले लिए हैं। तो चोली को मैं इस तरीके, देखिए दोस्तों ये तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इस पर कुछ स्टोन वगैरह लगाएंगे। और ये मिल जाते हैं मार्केट में 15 रुपये पैकेट, 10-15 रुपया पैकेट। तो आइए हम दो कलर लाए हैं और हम क्या करेंगे। और ये वन है, आपके पास ग्लू गन हो तो आप उससे भी लगा सकते हैं। तो मैं कैसे लगाऊंगी देखना। अब फैब्रिक ग्लू है ये, और इसको इस तरीके से लगा लेंगे। इस तरीके से हम बच्चे भी हेल्प करा रहे हैं, मेरी बेटी हेल्प करा रही है इस तरीके से। जगह जगह पे ये ग्लू रखा है, वहाँ इसको कर देंगे और दबाते हुए करें कि ये आसानी से। ड्रेस का कुछ लुक इस तरीके से लग रहा है। वैसे तो मैं ये जो पिंक वाला है, मैं ये की एक चुपका रही थी, मेरी बिटिया ने ये राय दी कि ये भी चुपकाओ साथ में। तो ड्रेस इस तरीके की अभी लग रही है, अभी और बनेगी थोड़ा सा और। तो ये इसमें टाइम लगता है सूखने में, अगर आपको टाइम नहीं लगाना है तो आप ग्लू गन से चुपका सकते हैं, क्योंकि ये फैब्रिक ग्लू से तो टाइम लगता है। दोस्तों देखिएगा, ये हो गई है चोली रेडी। अब इसको इस तरीके से रख के इस तरीके से, और अब हम इस पे भी यही लगा लेंगे यहाँ। देखिए दोस्तों ये कैप है, और अभी इसको और सही से करना है। तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि इसको टाइम लगता है सूखने में, तो मैं इस पे भी ये लगा लूँगी स्टोन। और इसी तरीके से पूरी ड्रेस करेंगे हम, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। चलिएगा, देखिए दोस्तों ये सूख चुका है, और अब हम इनका नाप लेके, ठाकुर जी का नाप लेके, और इसको सिल लेंगे, नाप को बना लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ कस के गांठ लगा ली है हमने, और अब इस तरीके से इसमें इस तरीके से हम डालते हुए सुई को आराम से इस तरीके से हर एक में निकालते हुए। देखिएगा साइड साइड से अभी इस तरीके से सुई से हम पूरा ये कैप जो है उसको भर लेंगे, और जितने की ज़रूरत होगी उतना हम टाइट करेंगे इसको। इसको लेके और मैं अपने ठाकुर जी का नाप ले लूँगी थोड़ा सा। देखिएगा ये कैप सही बनी है, अभी कोई और कपड़े पहने हैं, ये वाला नाप सही है। या फिर ऐसे करके इसमें थोड़ी सी डोरी लगा देंगे, जब टाइट करना हो तब टाइट कर लें। इस तरीके से हम कैप तैयार कर लेंगे, और मैं इसको थोड़ा सा छोड़ दूंगी लूज और वो करने के लिए। तो मैं इसको छोड़ दूंगी ऐसे ही, धागे को एक ही साइड होते तो मैं इसको छोड़ दूंगी। इसको निकाल के मैं कुर्सिया से इसका डोरी जो बना दूंगी पकड़ने वाला। तो चलिएगा ये तो मेरी हो गई कैप रेडी, और फिर आगे दिखाती हूँ। दोस्तों सुई में धागा फिर से डाल लिया है मैंने। अब मैं क्या करूँगी, ये चोली बनाई है ना, अब मैं इसको इस तरीके से, देखिएगा आपको सिलना पूरा दिखाई दिया है मैंने, और इस तरीके से ये है इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से सिल लूँगी मैं, इसको इस तरीके से पकड़ के मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दूँगी मैं। चलिएगा वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं अंदर से धागा डालूंगी, ये मैंने ऊनी ही ले ली है, इस तरीके से सिलूंगी मैं।
ये डिजाइन भी पीठ पे बनी रहे। इसमें गांठी लगा लेंगे। मैंने गांठी ऊन की में गांठी लगाओ कुर्सिया वाली में फिर भी निकल जाती है, तो इसलिए इस तरीके से मैंने गांठी लगा ली है। अब इसको इधर कर लूँगी मैं। देखिएगा इसमें सिलेंगे हम, जो ये येलो कलर कलर का सिल बनाया है ना उसमें सिलाई करेंगे। ये हम इस तरीके से सिल लेंगे। और दोस्तों बाहर की आवाज़ें हैं उनको इग्नोर करना, क्योंकि बाहर आवाज़ें फेरी वाले आते ही रहते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक सिल लिया है। अब यहीं हम इसको बंद कर देंगे। चलिए दोस्तों ये मेरी चोली रेडी हो गई ठाकुर जी के लिए। चलिए इसको मैं कट कर ले रही हूँ। है ना देखिए दोस्तों ये भी सूख गई है। और इस तरीके की मैंने डोरी बनाई है। मैं क्या करूँगी इसमें, यहाँ से ये खुला है, मैं इस तरीके से इसमें इस तरीके से मैं डाल लूँगी। देखिएगा इसको हम थोड़ा सा हाथ साध के इस तरीके से निकाल लेंगे इसको। देखिएगा ऐसे ही अब आगे डालेंगे इसमें। देखिएगा ये मेरी जो है गांग बनाया है मैंने ड्रेस, उसमें अपने सादे हाथ से निकालूंगी इसको। इसमें पूरे में डाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये डाल लिया है और ये अब चाहे जिसको इतना बड़ा कर ले आपके अकॉर्डिंग है, और चाहे जिसको उनके अकॉर्डिंग बांध ले। तो ये चोली बांधने के लिए इस तरीके से आ जाएगी। और ये है अब चलिए। और ये जो एक और डोरी बनाई है मैंने, तो मैं इसको भी कहाँ लगाती हूँ वो दिखाती हूँ आपको। ये चोली का नीचे का भाग है, तो मैं इसमें ये डोरी फांस दूंगी और कहाँ लगाऊंगी वो दिखाऊंगी मैं। दोस्तों देखिएगा एक और डोरी बनाई थी मैंने जो सिलाई की है, ये एक डोरी बनाई थी यहाँ बांध ली है और ये एक डोरी यहाँ बांध ली है मैंने। अब इसका क्या काम आएगा मैं वो दिखाती हूँ। अब ये मेरी रेडी हो गई है ड्रेस, और इधर ये भी हो गई है और कैप भी। तो दोस्तों देखिएगा किस तरीके से मेरी ड्रेस बनी है। मैं देखिएगा दोस्तों ये चोली पहले पहना लेंगे इस तरीके से। ये सिलाई पीछे आ जाएगी, ये धागा जो हमने बांधा था, और यहाँ ये सीना भी ढक जाएगा, और यहाँ जगह छोड़ दें तो ये हाथ निकल आएगा। और देखिएगा इस तरीके से हम इस तरीके से इसको रखेंगे। थोड़ी सी सेट करनी पड़ती है पहले दिन, फिर अपने आप सेट हो जाती है। तो दोस्तों इससे हाथ भी ढक गए और ये पूरी पीठ ढक गई। अब ये जो ये है अब हम इसको पहनाएंगे। चोली पहन चुके हैं ठाकुर जी, अब ये आ गई, तो अभी इसको इस तरीके से पहनाएंगे। ये दोस्तों अब ये हाथ भी निकालेंगे और इस तरीके से नाप लेके पकड़ लो गिर जाएंगे। अब हम इसको पहना के इस तरीके से उनका नाप लेके इस तरीके से इसमें नॉट लगा देंगे और इसको अंदर कर देंगे। पूरे ठाकुर जी कवर हो जाएंगे। और देखिएगा अब इसको एक जैसा कर दे। अब इनकी कैप जो है कैप लगा देंगे। और इसको मैंने छोटा बड़ा करने के लिए रखा ही है, तो सर्दियों में जितना हमें चाहिए उतना रखें। उसके बाद इस तरीके से हम कैप लगा देंगे दोस्तों। तो ये मेरी फाइनल ड्रेस पूरी तरह से बन चुकी है दोस्तों। अगर ये ड्रेस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें दोस्तों।
कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरीके के लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी ये ड्रेस पहन के। देखिए दोस्तों मेरे ठाकुर जी की ड्रेस कैसी लग रही है, इनको ज़रूर घर पर ट्राई करें। सर्दियां हैं, मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं ये वाली ड्रेस देखिएगा कैसे लग रहे हैं मेरे। और मैं और बना रही हूँ। चलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को। और जय माता दी दोस्तों।